त्रिकालदर्शी परम पूज्य देव जी के श्री चरणों में सादर प्रणाम। खुश हो बेटा। गुरुदेव, हम तीन हैं डीएनए में, मेरठ से आया हूँ लेकिन निवासी आगरा का हूँ प्रॉपर गुरु जी। और मैं गुरु जी मेरा अनुभव ही 2 साल का, जब से दरबम जुड़ा हूँ मैं थोड़ा शेयर करना चाहूँ, 1 मिनट लूंगा। रामायण में एक चौपाई आती है, दैहिक दैविक भौतिक तापा, राम राज का हुआ नहीं व्यापा। गुरु जी आप पूरी जनता के जो भी यहाँ पर दरबार में आते हैं, दैहिक दैविक भौतिक तीनों को तापों को हर रहे हैं, और मुझे ऐसा लगता है आपके माध्यम से, बाबा माँ के माध्यम से इस सतयुग का प्रारंभ होने जा रहा है, उसकी आधारशिला आपने रखी है। हम सभी सभी भक्त बड़े आह्लादित रहते हैं आपके दर्शन करके कि आप जैसे गुरु हमको मिले हैं। गुरु जी मैं एक सरकारी बैंक में सहायक महाप्रबंधक हूँ आपके आशीर्वाद बाबा की कृपा से, और मेरी दोनों बेटी प्रोबेशनरी ऑफिसर हैं बैंक में, वो भी यहाँ दरबार से ही जुड़ी हैं। और बाबा जी मेरी बेटी को डिप्रेशन था और उसका इलाज मेदांता हॉस्पिटल में चला गुड़गांव में, 4 साल चला, कोई निराकरण नहीं सिवाय नींद के। उसके बाद एक ज्योतिषी को दिखाया, उन्होंने कहा कि इसका कुछ वो अनुष्ठान करना पड़ेगा। गुरु जी क्षमा चाहते हुए कहना पड़ रहा है, उसका अनुष्ठान मैंने जगत गुरु शंकराचार्य स्वामी श्री माधवाश्रम जी के शिष्यों से करवाया, लेकिन कोई फर्क नहीं हुआ। गुरु जी जब दरबार में जुड़ी, प्रक्रिया करी, उसके अगले दिन से बिल्कुल ठीक, सुबह 5 बजे 4 बजे जग जाती है और बाबा का बिल्कुल ऐसा ही। इतनी विशेष कृपा है गुरु जी, घर में किसी को कोई तकलीफ नहीं है, इतनी भी तकलीफें थी सारी खत्म। आपका लख लख धन्यवाद गुरु जी, बहुत बहुत आभार आपकी कृपा से हमारा जीवन बिल्कुल स्वर्ग में बन गया, मैं तो ये कहता हूँ गुरु जी। इस दरबार को जो सजाया और जिन्होंने नींव रखी, वो हमारे परम पूज्य गुरुदेव पंडित श्री राधारमण जी मिश्र और हमारी माँ गुरु कामरू कामाख्या ने रखी, और सब उनकी कृपा से संभव होता है। उन्हीं का तप है जिसका हम सभी लाभ उठा रहे हैं और सब अच्छे हो रहे हैं। इस पूरी पृथ्वी पे सनातन धर्म का जितना निरादर हुआ है, जितना इग्नोरेंस झेली है सनातन धर्म में, और इसके दोषी हम सब खुद हैं। हमारे इस प्यारे से हिंदुस्तान को जो अखंड भारत हुआ करता था, एक से एक ऋषि मनुष्यों ने तमाम अनेक कालखंडों में और अनेक अनेक भूभाग में रह करके जो उन्होंने अनुसंधान किए, अद्भुत है। उन अनुसंधानों का हम लोग 1% भी लाभ नहीं उठा पा रहे हैं। वो सारा का सारा उनका जो तप था, जो तपस्या थी, जो ज्ञान था, अनुभव था, उसको कूड़ेदान में डाल दिया गया और अंधविश्वास कह के चीज़ों को दबा दिया गया। आज आप यहाँ देख पाते हो कि खतरनाक से खतरनाक बीमारियाँ वर्षों से झेल रहे लोग क्षण में ठीक हो जाते हैं। सत्य क्षण में। अभी परसों का ही केस आपने देखा, आज ही दिखा रहे थे कि वो खुद वहाँ सर्विस करता है एम्स में जी जी, और उसका भाई पूरी तरह पागल, स्मृतियाँ नष्ट हो गई पूरी जी। हाँ जी, सारे कपड़े उतार के खड़ा हो जाता था नंगा। एम्स ने कह दिया घर ले जाओ, मृत्यु निकट है इसकी, अब कुछ नहीं, कोमा में जाने वाला, अब इसको ले जाओ जी जी, अब ठीक नहीं होगा कभी। वो जयपुर से आए थे शायद गुरु। हाँ, जयपुर से जी जी गुरु। और यहाँ आए, उनको ठीक होने में कुल 5 मिनट लगे। बिल्कुल 5 मिनट के बाद वो लड़का, उसकी उम्र करीब होगी 28-30 साल थी, घर का भी एड्रेस बता दिया था कोई, है ना, एवरीथिंग, सब कुछ, सारी स्मृतियाँ उसकी वापस, एकदम अच्छा। और वो डॉक्टरों की बेवकूफियों पर हंस रहा था, है ना। फिर लास्ट क्वेश्चन किया हमने उससे कि अब आप किशन ठीक हो गए हो, ये बताओ कि आधुनिक विज्ञान अच्छा है कि धर्म विज्ञान। तो उसने कहा धर्म विज्ञान। तो जो क्षण में ठीक हो रहा है उसको दबाओ, दिखाओ मत, प्रचारित मत करो। आज जो यहाँ हो रहा है जी जी, हिंदुस्तान की इतनी मीडिया है, खासतौर से इलेक्ट्रॉनिक मीडिया जी, उसकी हैसियत नहीं है कि वो दिखा भी सके जी। बिल्कुल, इसके लिए बोले बहुत गाइडलाइंस हैं, हैसियत नहीं है जो दिखा सके। ये क्या है,
पाश्चात्य सभ्यता में जी रहे हैं, इतना बड़ा व्यापार है उनका, प्रेशर है, और वो खरबों डॉलर का व्यापार है दवाइयों का, खतरे में पड़ जाएगा, है नहीं? बिल्कुल गुरु जी, यही है, है ना? तो कोका से गुरु जी, एक पूरा कोका से, पूरे कोका से जो अपना जुटा हुआ है, लगा हुआ है। जी हाँ, जी हाँ। तो समस्याएं तो बहुत हैं, लेकिन समाधान उससे भी कई हजार गुना ज़्यादा हैं, समस्याओं से ज़्यादा समाधान है, लेकिन लोग नहीं समझ पाते तो कहाँ जाते हैं जहाँ नहीं जाना चाहिए। ये जाली टोपी वालों ने तो इतना खतरनाक कांड कर रखा है, गली गली दुकान खोल दिए, तंत्र मंत्र टोना टोटका जादू टोना भूत प्रेत के नाम पे कलंक है देश के ऊपर। जी हाँ, हम दिन भर में कितनी बार बोलते रहते हैं कोई भूत प्रेत नहीं होता, बोलते दिन भर में, बिल्कुल बिल्कुल, ये वो कोई भूत प्रेत नहीं होता संसार में, है ही नहीं, है तो कोई दिखा दे हमें। जी दरबार के भक्त, किसी भक्त को दिखा दे आके कोई, नहीं है कुछ, ये सब ये दकियानुसी चीजें हैं, बिल्कुल गुरु, समाप्त होनी चाहिए। समाचार यहाँ कर ये अनुभव भी हो गया गुरु जी, अनुभव होता है, अनुभव होता है, नहीं पहले डर सा लगता था कहीं जाने में, अब कहीं कोई डर भी नहीं लगता, शमशान में निकलते वो डर लगता था, तो वहाँ बहुत अच्छा लगता है गुरु जी, ये बड़ी कृपा है, क्योंकि कुछ ये होता नहीं है, सारा भय का भूत है, और सारा हमारी अपनी स्वयं की स्मृतियाँ हैं, वो हमारे पिछले जन्मों की स्मृतियाँ हो सकती हैं, इस जन्म की स्मृतियाँ हो सकती हैं, हमारे पितरों की स्मृतियाँ हो सकती हैं, उन्हीं से हम केवल आक्रांत हैं, उन्हीं से परेशान हैं, जहाँ विरोधाभासी हैं जी गुरु जी। बस और कुछ नहीं है, द्वंद है केवल, तो वो सब समाप्त होता, आप अच्छे होते हो। बच्चों में आप देखो डिप्रेशन यहाँ एक दिन में ठीक होता है, बिल्कुल हुआ है गुरु जी, हुआ है। OCD, अभी आपसे पहले महिला गई मिलके, अभी OCD था इनको, इनको सब गंदा गंदा दिखता था, यहाँ तक इनको पति भी गंदा दिखता था, पति छू ना ले, नहीं मारपीट हो जाए, छूरा चल जाए, अभी क्या है ये थॉट्स हैं किसी के। गुरु जी मेरी बेटी तो यहाँ पे आई भी नहीं थी, पांचवें हवन के बाद उसका डिप्रेशन खत्म, और दवाइयाँ उसकी जो पिल्स लेती थी उसके बगैर सो नहीं पाती थी, उसने मतलब नींद आने लगी बिना उसके ही, तो ये तो कृपा तो है, साक्षात कृपा है। तो यही सब है, तो है कुछ नहीं जी, जी। बस ये कि बहुत ज्यादा लोगों ने उसको हल्ला मचा रखा है जी, तो लोगों की स्मृतियों में रोग बन गया है ना, डिप्रेशन डिप्रेशन करके इतना हल्ला है, आप दिन भर देखते हो बाइपोलर डिसऑर्डर के बच्चे, माता पिता से नफरत कर रहे हैं बच्चे, कैसे कैसे बच्चे आ रहे हैं कि अपनी बहन से अपनी माँ से रेप करना चाहते हैं, अपनी मर्डर करना चाहते हैं उनका, और खुद सुसाइड करना चाहते हैं सब करके, मतलब ये कौन सी कहाँ जी रहे हैं बच्चे, बच्चे मजबूर हैं, हम देखते हैं पूरा मोहल्ला कहता है बच्चे बदमाश हैं, माँ बाप सोचते हैं बच्चा बदमाश है, हम मतलब दरबार जब देखता है तो बदमाश कोई और ही होता है, बदमाश कोई और दिखता है, कह रहे यार ये तो बच्चा बहुत अच्छा है, इसका तो कुछ है ही नहीं। अभी एक देश के बड़े पद पर थे, गृहमंत्री थे, उन्हीं के नाती हैं लगते हैं, अभी आए, उसके भी यही हाल, माँ से रेप करना है और बहन से रेप करना है, मर्डर कर देना है, अपना भी सुसाइड कर लेना है। आप 10-12 दिन पहले आए थे गुरु जी, तो अब वो बड़बड़ घूमता रहता था, इतना सुंदर बालक, आप देख लीजिए कितना क्यूट, कितना सुंदर, खूबसूरत बच्चा जी, जी। लेकिन माँ बाप क्या मान रहे हैं कि ये बदमाश है, दरबार देख रहा है कि बच्चा बहुत अच्छा है जी। बदमाश कुछ और चीज़ है, स्मृतियाँ हैं किसी की चिपकी हुई हैं, तो जैसे स्मृतियाँ हटी वो बच्चा माँ को पकड़ के पैर पकड़ के रो रहा है, घंटों रोया कि हम क्या क्या सोच रहे थे, हम समझते बच्चा बदमाश है, यहाँ दिखता है कि पति पत्नी लड़ते हैं, पति सोच रहा है पत्नी, पत्नी सोच रहे पति बदमाश है, हम देखते दोनों अच्छे हैं। हमें 30 साल हो गए लड़ते लड़ते, अभी यहाँ के अभी ये है कि एक दिन भी चैन नहीं पड़ता, अभी यहाँ पे आए तो चिंतित हैं कि कब आएंगे लौट के, तो ये फर्क है, प्रभाव है यहाँ का जी। कि तलाक चाहिए तलाक चाहिए, अभी देखो एक हफ्ता नहीं हुआ अभी आए थे बच्चे 2-6 साल उनका मुकदमा चला, मतलब मुकदमा चल के तलाक हो गया, 6 साल अलग रहे, यहाँ आके शादी की, फिर दोनों ने शादी की, हाँ भी हफ्ते भर का है उसकी, एक बच्चा भी था उनका गुरु जी को, हाँ बेबी थी, शादी किया उन्होंने, दोबारा शादी की तलाक के बाद, अभी और बच्चे आए तो उन्होंने यहाँ शादी करी माँ के मंदिर, दोबारा तलाक ले चुके, दोबारा शादी करने, अपनी चीज़ें अच्छा होता क्या, दरबार में इत्तेफाक से दोनों जुड़े, वो अलग जुड़े आके, वो अलग जुड़े, जो दोनों साफ हुए तो उन्होंने लगा ये क्या कर लिया आपने, तलाक वलाक लेके, तो कहा यार हम लोगों ने क्या किया,
तो फिर एक हो गए, फिर शादी करके रह रहे, प्रसन्नता से आए थे, गुरुदेव आगे शादी करके, अरे भैया बाबा आशीर्वाद लो। तो ये गंदगी है ही, फैली हुई है, पूरे सृष्टि में फैली हुई है। अब समस्या वहाँ ये है कि हमने अपने ऋषि मुनियों को त्याग दिया, उनकी बातों को किनारे कर दिया है। आप देखो, मदर टेरेसा थी, उनको संत की उपाधि मिली, मान सम्मान पे अगर आ जाएं आप, एक अच्छी समाज सेविका थी। तो बैठक उनके यहाँ हुई, जो उनके यहाँ वो है मंडल है उनका पॉप के यहाँ, तो बैठे सब, तो उन्होंने कहा कि साहब कैसे इनको संत की उपाधि दी जाए टेरेसा को जी। तो एक मामला कोई निकला कि उनसे कोई कोई लकवाग्रस्त था या कुछ था, वो अच्छी हो गई थी औरत, एक एक केस निकला, एक पूरी जिंदगी में उनकी जी, जी। तो बोले हाँ अब ये संत हैं, उपाधि मिली है। और यहाँ हजारों जन होते हैं रोज, यहाँ कोई अंधा ठीक हो रहा है, बहरे ठीक हो रहे हैं, चल नहीं पाते, दौड़ रहे हैं, हजारों ठीक हो रहे हैं पागल रोज 10-20 पागल तो रोज ठीक होते हैं, खुद ही कहते गुरुदेव पागल थे, अब ठीक है। वो मीडिया दिखाने को तैयार नहीं है गुरु जी। हाँ, नहीं दिखा सकते, अंधविश्वास है ना ये अंधविश्वास है। और ये वो लोग हैं जो तमाम जगह से बेचारे घूम के आए, तमाम अस्पतालों के चक्कर लगा के आए हैं, आए वही हैं गुरु जी, है ना, आए वही हैं, जैसे हर जगह जैसे अपने तमाम केस हैं कि लंबे कैसे हो जाएं, दरबार लंबा कर देता है जी। सूरत वाले मोटे हो, मोटे हो जाए, दुबले दुबले हो जाओ जी, जी, जी। दरबार कर देता है। अभी दरबार के भक्त हैं अरुण अरुण कामरा, उनका बच्चा 120 समथिंग ऐसे 15-20 किलो का खड़ा, तो उस दिन आए तो हमने कहा बेटे को नहीं लाए, बोले खड़ा तो, मैंने कहा कि छोटा है कि बड़ा, बोले एक ही बेटा है, तो हमने वो कहाँ गया, बोले दुबला हो गया 32 किलो कम हो गया डेढ़ महीने में, डेढ़ महीने में 32 किलो कम हो गया, संकल्प किया कि मोटापा कम होने लगूँ, 32 किलो कम, वो एक्चुअली कमर पतली बेट लगाए खड़ा मेरे सामने, लगता है जिम भी बंद करा देंगे लगता है मनीष का केस देखते होंगे, तीन बच्चियां थी सूरत वाले हैं, 9 महीने में 2 बच्चियां 9-9 इंच बढ़ गई, तीसरी वाली 12 इंच बढ़ गई 1 फीट। तो तीनों को संकल्प हुआ, यहीं हमने देखा बौनों की, सर्कस वाले जो बौने होते उनकी स्मृतियां बच्चियों में थी, ऐसे छोटी छोटी बच्चियां थी, वो छोटी रह गई थी, तो हमने स्मृति निकाल के नष्ट कर दी, लंबे होने की स्मृति डाल दी, वो लंबी हो गई तीनों, तो एक हो तो एक हो, तीनों एक साथ हो रही हैं। अब लोग इसलिए आने लगे गुरुदेव हम बहुत दुबले हो गए, अब रोक दो गुरुदेव, अब इससे दुबला नहीं होना है, अब निकाल लो स्मृति, तो ऐसे आते। तो सब चीजें ऐसी हैं जो समझने के लिए हैं। आप एक तरफ कहते हैं अभिव्यक्ति की आजादी है जी, दूसरी तरफ आप दूसरों को सुनने नहीं देना चाहते हैं, अभिव्यक्ति कहाँ से करे आदमी। जो आदमी अपनी बात कह रहा है कि हम ऐसे ऐसे थे, ऐसे ऐसे हो गए, ऐसे हो गए, आप उसकी बात क्यों नहीं दिखा सकते हैं, क्यों नहीं बोल सकते, लेकिन ये पाबंदी है कि ना 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 अंधविश्वास है। अरे भाई अंधविश्वासी तो आप सबसे बड़े हो, जो आपको लग रहा है कि सब बेवकूफ़ है पूरा देश, पूरी दुनिया जो सुन के जो है बेवकूफ़ बन जाएगा। आज सब बच्चे पढ़े लिखे हैं, यहाँ बहुत बच्चे आते हैं, नए नए बच्चे सब कॉलेजेस के, और आके स्वयं अपना करते हैं, वो देखते हैं ना वीडियो, स्वयं आके करते हैं जी, जी। कि हमको पढ़ना लिखना है, हमें आत्मविश्वास बढ़ाना है, हमें स्मृति हमारी स्मरण शक्ति ठीक करनी है जी, सब जी, करना जी। सब बच्चे बोलते हैं ना अब ठीक, कई बच्चे तो शाम को एग्जाम पढ़ते हैं और सुबह एग्जाम वही आ जाता है, वही आता है। तो कोई बच्चा दरबार जो फेलियर बच्चे थे, कोई बच्चा 90% 80 से लेके 98% नंबर आते हैं, जिसको फेल होने लगे बच्चे, बड़ी कृपा है गुरु जी दरबार से जुड़ के। तो बच्चों के मोबाइल छूट जाते हैं, अभी जितने बच्चे बैठे हैं यहाँ, जितने बच्चे बैठे किसी को उठा लो, किसी को मोबाइल देखने की इच्छा नहीं, सबकी नष्ट हो चुकी है। ये कोई बच्चा यहाँ बैठा, जितने बच्चे बैठे हैं ये कोई मोबाइल नहीं चला सकते जी, दरबार इनकी इच्छा खत्म की है मोबाइल देखने की, फैक्ट है कुछ, है ना, मांस मदिरा खाने की इच्छा नष्ट हो गई सबकी। अब ये चीज़ दिखाने लायक है कि नहीं है, यही तो नहीं कर पा रहे भाई, बिल्कुल। अब चाहे हजार आदि बैठे हैं, चाहे 10 लाख आदि बैठ जाए स्टेडियम में, सबके साथ यही होगा, जो एक के साथ होगा वो 1 लाख के साथ होगा, 10 लाख के साथ वही होगा, कर लो इकट्ठा प्रमाण ले लो, ट्रायल कर लो कि सनातन धर्म में कितनी ताकत है, करके देख लो, साफ नहीं है प्रत्यक्षम किम प्रमाणम। तो सब अच्छा ही होता है, अच्छा होने के लिए सब है, आज नहीं कल समझना पड़ेगा।
मैं चाहता हूँ गुरु जी जाने जाने बहुत समय ले लिया आपका। थैंक यू, बहुत अच्छा लगा गुरु जी। बाबा माँ का तो मैंने प्रसाद सुबह चढ़ा दिया था। अच्छा। गुरु जी मेरठ में रेवड़ी गजक बहुत अच्छी मिलती है, स्पेशल गुरु जी आपने लाया की था। स्वीकार करें गुरु जी। थैंक यू, थैंक यू। खुश हो बेटा, खूब खुश रहिए, प्रसन्न रहिए। गुरु जी इससे पहले मैं किसी और दरबार में माँ भगवती का ही दरबार था, वहाँ जुड़ा था करीब 22 साल सेवा करीब। लेकिन मैं फिर वही कहना चाहूँगा जो 22 साल में मुझे वहाँ नहीं मिला, मुझे यहाँ 22 महीने में मिल गया गुरु जी। नहीं, उसका प्रभाव रहा, इसलिए रहा। आपने तो सही मान के किया जी, उसका परिणाम ही मिला कि माँ मिल गई, यहाँ मिल गई। जी हाँ जी, यहाँ भी माँ मिली, बिल्कुल मिली। बात वही है, कभी भी प्रयास विफल नहीं जाता है। अच्छा गुरु जी, उस दौरान ना भक्ति में थे तो दो मंदिर बनवाए थे, एक तो आगरा में, एक अपने गाँव में पैतृक गाँव में। तो पैतृक गाँव में 2018 में बनाया था, आगरा में 2000 में बनाया था। दोनों ही अष्टभुजी माँ दुर्गा के मंदिर है। लेकिन गुरु जी जब से आपके श्री चरणों में आए हैं, वहाँ उस मंदिर में जाने की इच्छा ही नहीं करते, पता नहीं क्या हो गया। वो जो गंदगी रहती फिर आपको आकर्षित नहीं कर सकती जी, सब चीज़ें डिस्ट्रॉय हो जाती हैं, तो फिर आदमी कनेक्टिविटी जो है ना वो डिस्कनेक्ट हो जाता है, वो बचता नहीं है, मन में ही सब कुछ है जी, या अंदर ऐसे किया सब अंदर है जी जी। ठीक है गुरु जी, एक मिनट और। वो जब गुरु जी वो हाँ बोलिए बोलिए गुरु जी, तंत्र दीक्षा के बाद जब ध्यान करता हूँ शाम को या सुबह, तो बाबा की माँ की तस्वीर काफ़ी देखने का प्रयास करता हूँ, छवि उनकी कभी उभरती है कभी नहीं उभरती है गुरु जी। आँखें बंद करिए, अभी उभर जाएगी। ओम, आज्ञा चक्र खोल दिया जाए, कुंडलिनी जागृत, 3 सेकंड के लिए जागृत होगी, उसके बाद वापस अपने स्थान पे स्थिर होगी। 3 सुनते ही जागृत, ऊपर तक जाएंगे विशुद्धि चक्र तक, वापस आएंगे अपने स्थान में, पुनः विराजमान होंगे, फिर इनकी साधना के अनुरूप आपको चलना है। ओम, रास्ता साफ करेंगे, काली माँ हटाएंगे, सब ट्रैक साफ करेंगे। ओम, गणेश द्वार खोल दिया जाए, ब्रह्म ग्रंथि और विष्णु ग्रंथि दोनों खोली जाए, महेश ग्रंथि बंद करके रखी जाए। 1 2 3 शिव, वापस अपने स्थान पर, ग्रंथियां पुनः बंद कर दी जाए, खोली गई। बैलेंस, शांत, विंध्यवासिनी अपना प्रभाव छोड़ दें, पैर के तलवे से सूजन खींच के ऊपर लाई जाए, मस्तिष्क में जड़ करके काली माँ के साथ ही सूजन बाहर निकाल लीजिए। ओम शिव, नष्ट करके सबको खिला दीजिए। बैलेंस, 3 बार बोलिए, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम ओम ओम। मोटापा और कम कर दिया जाए, स्मृति डाल दी जाए, गति बढ़ा दी जाए मोटापा कम होने की। शिव, बैलेंस, आँख खोलिए, अपना बंधन खींचिए 3 बार। बहुत आज्ञा चक्रबंध। हाँ, आप ध्यान करेंगे तो अब आपको काली माँ नहीं दिखेगी, एकदम ट्रैक साफ जी गुरु जी, है ना, प्रकाश सा दिख रहा है। हाँ, अब हो गया। और दूसरा, मोटापा आपका कम होता जा रहा है, काफी पहले से कम हुआ है, ये हुआ पहले से कम हुआ है गुरु, अब और तेजी से कम हो जाए गुरु जी। बड़ी कृपा, खुश है। थैंक यू, थैंक यू, खुश हो गुरु जी। आपके आशीर्वाद से बेटे का रिश्ता आया है। अच्छा। और मैं सो रहा हूँ पहले आपको दिखा लूँ, उसके बाद ही आपको दिखा दीजिए, दिखा दीजिए। इसकी शादी, लड़की कहाँ है? अच्छा, ये लड़की आई, रिश्ता आया है, ये बेटा। लड़की, बहुत अच्छा जोड़ा है, एकदम अच्छे, फर्स्ट क्लास।